अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मैटर उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे अच्छा जी स्पेशल सी एस एस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का पास्ट पेपर हम कवर करने जा रहे हैं uh, जो कि एमसीक्यूज हैं इससे पहले ऑलमोस्ट सन दो हज़ार सोलह से ऑनवर्ड सन दो हज़ार बाईस तक के एम सी क्यूज़ जो हैं वो मैंने शेयर किए हुए हैं वो भी सॉल्ड और डिटेल्ड तो लाजमी आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स के मैंने अपलोड किए हुए हैं मज़ीद जिसको कोई भी गाइडलाइन चाहिए किसी भी तरह की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं चले जी वीडियो स्टार्ट करते हैं बट स्टार्ट करने से पहले मोस्टली इसपायरेंट्स uh, जो हैं वो टेक्स्ट कर रहे होते हैं कि हमें बता दें कि हम यूरोपियन हिस्ट्री जो है वो कहाँ से तैयार करें मीन्स कि इसके लिए कोई बुक रेफर करते तो इसके लिए जो बुक रेफर मैं करूँगी uh, ये फरुख आ, 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 फरुख सुल्तान की बुक होगी यूरोपियन हिस्ट्री की आप वो कर लें बुक बाय कर ले बहुत अच्छी डिटेल्ड बुक है उसमें आउटलाइंस बनी हुई है कोटेशन रेफरेंसेस वगैरह सब कुछ उसमें ऐड है अगर आप जस्ट उस बुक को फॉलो करते हुए साथ साथ आप मजीद अगर, अगर अपनी नॉलेज के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्री सुन लेते हैं यूट्यूब पे टॉपिक वाइज तो वो और ज्यादा बेस्ट हो जाएगा तो आप इस बुक को फॉलो करें और आपका ये जो यूरोपियन हिस्ट्री का सिलेबस है सी का स्पेशली वो उसमें कवर हो जाएगा ठीक है बाकी मेरे पास पास्ट पेपर्स अवेलेबल है मैंने कंपाइल किए हुए सन दो से सन दो तक के तो वो अगर किसी को पीडीएफ में चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स कर लें ठीक है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है चले जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अब मैं स्पेशल सी के पेपर को कवर करूंगी दो पार्ट्स में तो ये पार्ट वन है जिसमें हम टेन एम जो है वो कवर करेंगे अच्छा मजीद मैं बता दूँगी इसमें कुछ जो मेटीरियल होता है वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया होता है मींस के वो आपके डिस्क्रिप्टिव uh, जो पेपर होता है यानी सब्जेक्टिव uh, पेपर जो होता है यानी सब्जेक्टिव पोर्शन होता है पेपर का उसमें आपके लिए uh, बहुत ये हेल्पफुल uh, रहेगा ये कंटेंट जो मजीद मैंने एक्स्ट्रा डिटेल में यहाँ पे ऐड किया होता है और साथ ही साथ आपके नॉलेज के लिए भी बहुत बेस्ट है ठीक है तो चलें जी स्टार्ट करते हैं पार्ट वन हमारा है इसमें हम टेन एम को कवर करेंगे सी स्पेशल uh, का जो था पेपर यूरोपियन हिस्ट्री का अच्छा जी मेगजीमिलियन uh, रोबेस्पेरे uh, इनका पूछा हुआ है और जेकोबिन्स का पूछा हुआ है कि ये, ये, मतलब ये कौन सी दो uh, ऐसे uh, ग्रुप थे या लोग थे मतलब किन ग्रुप्स के लोग थे जिन्होंने रेन ऑफ टेरर में uh, कह लो कि अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ठीक है फ्रेंच रेवोल्यूशन को लाने में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ये नहीं हमारा क्वेश्चन था मेगजीमिलियन रोबेसपेरे एंड द आर द बेस्ट नॉन फॉर ठीक है तो ये हमारे पास मैक्सिमिलियन मैगजीमेलियन रोबेसपेरे जो कि हैं फॉर्मर डिप्टी इंडियन नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस मतलब तब थे और जेकोबिंस एक ग्रुप था जिन्होंने रेन ऑफ टेरर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ठीक है मजीद मैंने डिटेल ऐड कर दिए है जेकोबिंस क्या थे जी ये एक ग्रुप था वर्ल्ड लेफ्ट विंग रेवोल्यूशनरीज एंड द रेन ऑफ किंग लुइसटीन एंड एस्टेबलिश फ्रेंच रिपब्लिक ठीक है और मैगजीमिलियन रोबेसपेरे का मैंने आपको बता दिया ठीक है तो इनका रेन ऑफ टेरर में इंपॉर्टेंट रोल था अच्छा सेकंड एमसीक्यू हमारा बनता है जी आफ्टर द दो दिजार द द रशियन प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज हेडेड बाय ठीक है तो ये पूछा हुआ है uh, Cesar, uh, है कि जो जो रशिया का किंग तब uh, उसको कहते हैं ठीक है Cesar, तो उसके ओवर थ्रो के बाद जो रशियन प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उस, उसको किसने लीड किया या हेड किया तो सबसे पहले तो मैं बता दू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज ऑन फोन मार्च नाइनटीन ठीक है और uh, देन इसका मैं बता कि किसने हेड किया इसको तो सबसे पहले तो इसको प्रिंस जॉर्ज ने किया था लीड और उसके बाद अलेक्जेंडर के ने किया था ठीक है अच्छा जी यहाँ पे मैंने मजीद डिटेल ऐड कर दिया इसको आप देख लीजिए गा जो रशिया में रशियन रेवोल्यूशन में जिनका इम्पोर्टेंट रोल है उनको बुल्शफिक्स कहते हैं ठीक है जो रशियन रेवोल्यूशन में अः इनका इम्पोर्टेंट रोल है जो कि वालादिमिर लेन जो है इनको लेड कर रहा था ठीक है तो इनकी डिटेल आप यहाँ पे देख लीजिएगा अच्छा जी थर्ड एमसीक्यूज़ हमारा है स्पेशल सी एस एस ट्वेंटी के पेपर का वो ये है कि आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट इन दी अर्ली सेंचुरी इन यूरोप तो वो अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें तो वो सिंपल जो आंसर था वो था लिबरलिज्म ठीक है मजीद मैंने डिटेल ऐड की हुई है जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आपके डिस्क्रिप्टिव यानी सब्जेक्टिव पोर्शन में हेल्पफुल रहेगा इनको एज अ रेफरेंस आप कोड कर सकते हो मीन्स की अब, अब देखें एक ये देखें जो मैंने एक्स्ट्रा डिटेल ऐड किया है ये आपकी किस तरह से पेपर में हेल्प करेगी फॉर एग्जांपल यहां से अगर आप देखें प्रोमिनेंट फिगर्स एसोसिएटेड विद आइडियोलॉजी इंक्लूड एडम स्मिथ मतलब इसका आप रेफरेंस दे सकते हैं रेफर टू एज ऑफ इकोनॉमिक्स ठीक है इकोनॉमिक सॉरी एंड हिज सेमिनल वर्क द वेल्थ ऑफ नेशन पब्लिश इन सेवन इसका आप रेफरेंस दे सकते हैं ठीक है मजीद इस बुक के बारे में आप सर्च करके इसकी शॉर्ट हमरी पढ़ सकते हैं मजीद अपने आइडियाज को क्लैरिफाई करने के लिए ठीक है अच्छा तो अगर हम उस आइडियोलॉजी की बात करें तो वो थी लिबरलिज्म और लिबरलिज्म क्या है जी इंडिविजुअल लिबर्टी लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड दी प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ठीक है तो आप वीडियो को पॉज करके इस कंटेंट को मजीद पढ़ सकते हैं जो एक्स्ट्रा डिटेल में मैंने ऐड किया फोर्थ हेम बनता है जी स्टेटेड ये एक स्टेटमेंट uh, है तो ये पेपर में पूछा हुआ था कि ये स्टेटमेंट किस किया है किसने दी इसको किसने ये स्टेटमेंट दी है तो स्टेटमेंट क्या है जी पेरिस्ट्रोका इज एन अर्जेंट नेसेसिटी सोशलिस्ट सोसाइटी दिस सोसाइटी इज राइव फॉर चेंज ठीक है तो किसके ये जी मेकाल गोरबेव गौरब, की है जो के रह चुके हैं द फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन ठीक है ये क्या थी एक पॉलिसी थी ऑफ री स्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्मिंग दोवियत एक मजीद में आपको कहा आप लीजिएगा अच्छा जी फिफ्थ हमारे में से कुछ बनता है ने के बारे में पूछा हुआ है तो नेपोलियोनिक कोड जैसे आपको पता है कि नेपोलियन जो है एक ऐसा एक कह लें कि वाइड पर्सनैलिटी है जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया मजीद जो है वहां पे मोनाक थी उसको खत्म करने के लिए आ, मतलब वो डट के खड़ा रहा ठीक है उसने आ, बहुत मेहनत की इसके लिए अच्छा और फिर उसने अपना जब वो रूल में आया तो उसने नपोलियनिक कोड दिया जिसमें डेफिनेटली उसने जो भी आ, कोड दिए उसमें जो भी उसने प्रिंसिपल्स दिए नेपोलियनिक कोड में वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे ठीक है और कह लो कि फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट थे ठीक है तो इसको आप ब्रीफ सा इसके बारे में सर्च करके लाजमी पढ़िएगा और डेफिनेटली जिन्होंने सेलेबस कवर कर लिया उनके लिए तो मतलब ये मुश्किल नहीं है ठीक है मीन्स कि उन्हें आता होगा तो ये आप लाजमी देख लीजिएगा इसके प्रिंसिपल्स को इसके फीचर्स को Uh, 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 तो इशू किया था uh, मतलब लिखा नहीं किया था तो वो ट्वेंटी फर्स्ट मार्च एटीन जीरो फोर को किया था ठीक है तो आप uh, ये देख लीजिएगा मजदूर ये देखें कि नेपोलियोनिक कोड से पहले मीन्स एक लीगल जो कोड इश्यू uh, किया था नेपोलियन ने इससे पहले भी लीगल सिस्टम uh, को रन करने के लिए और भी कोर्ट दिए गए थे ठीक है तो ये एग्जाम्पल्स एड हुई हुई है हमारा बनता है जापान हैड बीन ऑन ऑन वार फॉर इयर्स प्रायर टू अटैक हार्बर विद कंट्री तो ये हाईलाइटेड इसमें आंसर है इसका दिस पिटेड जापान अगेंस्ट चाइना एंड वॉज ऑन गोइंग फॉर फोर इयर्स प्रायर टू अटैक ऑन पर हार्बर इन नाइनटीन फोर्टी वन ठीक है तो अच्छा इस पे ना डॉक्यूमेंट्री भी आपको मिल जाएगी बल्कि हर टॉपिक पे आपको कोई ना कोई वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी आ, अगर हम सिलेबस की बात करें यूरोपियन हिस्ट्री की यूरोपियन हिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो आपको वीडियोस या डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी और मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि जब भी कोई भी आप टॉपिक तैयार करना मतलब बैठें तैयार करने के लिए बैठें किसी भी सब्जेक्ट का ठीक है इसमें सिर्फ मैं यूरोपियन हिस्ट्री की बात नहीं करी किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक तैयार करने के लिए बैठे तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे उस टॉपिक को सर्च करें कोई भी आपको वीडियो मिले ठीक है उस वीडियो को सुने आपके आइडियाज जो है वो अच्छे से बिल्ट हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी बेसिक्स जो है वो जो है वो क्लियर हो जाएंगी ठीक है और मजीद जब आप उस टॉपिक को किसी भी बुक या कहीं किसी आर्टिकल से उसको पढ़ेंगे तो आपके मतलब वो आपको चीज समझ आ जाएगी फिर वो आई थिंक भूलेगी नहीं आपको बाद में आप नोट्स बना लें ठीक है तो सेम इस तरह इस इसपे मैंने बाकायदा खुद एक डॉक्यूमेंट्री सुनी हुई है जापान की वॉर्स जो यही थी जो जापान के कॉन्फ्लिक्स थे दूसरे मुल्कों के साथ और ये कई सालों तक जंग, जंग बंदी में रहा सॉरी जंगों में रहा ठीक है मतलब कॉन्फ्लिक्स में रहा आप दूसरे मुल्कों के साथ तो इस इसपे आप डेफिनेटली स्टेटमेंट पे आप अगर डॉक्यूमेंट्री सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी और आप उसको देखिएगा लाजमी देन जी पर्ल और पर्ल हार्बर ये जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने ऐड कर दिया कि कहाँ पे है ठीक है आइलैंड हवाई पे है

मतलब डिफरेंट लें कि आपके क्वेश्चन होते हैं वो साथ साथ उनको आप क्लियर कर लिया करें तो वो ज्यादा बेस्ट रहता है ठीक है अच्छा जी, 8 बनता है कंट्री वाज फर्स्ट इन सेंचुरी तो वो अगर हम बात करें तो सब, न, न, कहां से स्टार्ट हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन इंड, तो वो ब्रिटेन से स्टार्ट हुई देन वो यूरोपियन कंट्रीज की तरफ आई जैसे बेल्जियम फ्रांस स्वीडन जर्मनी एंड टू यूएसए अब इसमें डिफरेंट ऑप्शन आ सकते हैं पेपर में जाहिर है चार ऑप्शन होते हैं या उसमें तीन ऑप्शन और फोर्थ वन जो है वो नन ऑफ दीज आ सकता है तो इसको आपको डेफिनेटली याद करना पड़ेगा कंट्रीज के नेम को बनता है जी इन 1957 तो उसमें हमारे पास अगर एम सी क्यूज के आंसर की बात करें तो वो बेल्जियम है ठीक है अलोंग विद नैदरलैंड लगजमबर्ग इटली फ्रांस एंड वेस्ट जर्मनी और मैंने ये जो कम्युनिटी थी यूरोपियन इकॉनमिक कम्युनिटी ठीक है उसकी मैंने डिटेल यहाँ पे ऐड कर दिया जो कि टिटी ऑफ रोम ने की थी ठीक है नाइनटीन फिफ्टी सेवन में और इसका एम क्या था फोस्टर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग इट्स मेंबर स्टेट ठीक है तो मजीद आप डिटेल पढ़ लीजिएगा ठीक है, 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 है बाकी इसमें आप डिटेल लाजमी पढ़िएगा आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और अगर कोई भी टर्म या कोई भी पर्सनैलिटी के बारे में आपको नहीं पता होता तो उसको फॉरन से साथ साथ सर्च करके ठीक है उसके बारे में पढ़ लिया करें और हो सके तो शॉर्ट तो कह लो कि स्टिकी नोट्स पे लिख लें और उनको अटैच कर लें साथ या जस्ट एक ब्लॉग बना कर उसमें उस चीज़ को लिख लें तो आपके लिए बेस्ट रहेगी आपका उससे जर्नल नॉलेज जो है वो जो हैबिल्ड होगा साथ साथ आपके वेस्ट जर्नल नॉलेज के लिए बहुत बेस्ट रहेगा ठीक है और पेपर में कहीं भी अनएक्सपेक्टेड सा कभी अगर क्वेश्चन आ जाता है फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सनैलिटी पे आ जाता है जैसे बेनीतो मोजलिनी है ठीक है तो इनपे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है लेकिन आपको नहीं पता ना आपने तैयार किया है डेफिनेटली जब आप पेपर आ, मतलब जब आप सलेबस कवर कर रहे होंगे तो अगर आपने इनके बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को बिल्ड कर लेंगे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो इस तरह से चीज़ों को साथ साथ कवर किया करें और डिटेल कवर किया करें ठीक है आज के लिए इतना ही था होप सो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आई नो बहुत ज़्यादा अरसे के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ कुछ इश्यूज थे इस वजह से अच्छा आप प्लेलिस्ट लिस्ट लाजमी विजिट कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पास्ट पेपर एमसीक्यूज मिल जाएंगे सेम इस तरह डिटेल्ड होंगे और साथ ही साथ आपको जीके बेस्ड भी वीडियोस मिल जाएंगी किसी भी सब्जेक्ट में आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं ठीक है थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे थैंक यू सो अल्लाह हाफिज़